ये तो टू भी नहीं दूंगी मैं तो... हाँ टू ठीक है, जीरो जीरो नो जीरो मैं टू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, स्वागत है मेरे चैनल हाईएस में। अगर आप चैनल पर नए हो, पहले बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना जरूरी है क्योंकि वीडियो ऐसा होने वाला है, और लाइक तो करना ही करना है, शेयर भी कर देना साथ साथ क्योंकि भाई का चैनल यार तो करना जरूरी है। अभी मैं सीपी आ गया हूँ और सीपी का राज है कि मेरे कुछ फॉलोअर हैं, उनका कहना था भाई आप ब्लॉग शूट कर ही रहे हो तो एक ऐसा कुछ करो कि जहाँ फनी एकदम मतलब मौज कट जाए। तो मैं अभी सीपी आ गया हूँ और कुछ फ़ोटो है जो जिसने मेरे को भेजा है, मतलब जो जो भी मेरे को भेजे हैं उनका फ़ोटो मैं लेकर चलाया सीपी। और सीपी आने का राज है कि सीपी में काफ़ी क्यूटेस्ट लड़कियां होती हैं, और सीपी में जो सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव है ना तो सीपी आएगा ही। अगर ऐसा कुछ करना है, लड़कियों से रिव्यू लेना है, लड़कियों से कुछ पूछना है तो सीपी आ जाओ, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। अभी मेरे को दो लड़कियाँ मिली हैं, काफ़ी क्यूटेस्ट लड़कियाँ, काफ़ी सुंदर लड़कियाँ, तो उनसे जानेंगे इनके फ़ोटो के बारे में कि क्या फ़ोटो पे कितना रेटिंग मिलता है यार, किस बिहाफ पे कैसे मिलता है। तो चलो यार बिना देरी करते उनके उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। तो फाइनली गाइस काफ़ी मतलब ढूंढने के बाद सीपी में हमारे कुछ फॉलोअर का कहना था कि फोटो का रेटिंग कराइए आप, मतलब कितना क्या आता है। तो हमारे साथ दो क्यूटेस्ट गर्ल, मतलब काफ़ी ढूंढने के बाद दो लड़की मिली हैं, तो चलते हैं इनसे पूछते हैं। ये काफ़ी सुंदर हैं तो इनके हिसाब से फ़ोटो का क्या रेटिंग होता है जानते हैं इनसे। और तो पहले आप लोग अपना नाम बता दो दोनों। आई एम श्रीजा वासु। और मैं पूर्वाशा। आप लोग प्रॉपर दिल्ली से हो दोनों? नहीं, हम लोग कोलकाता से। आप दोनों कोलकाता से? हाँ। चलो बहुत अच्छा है। यहाँ क्या पढ़ते हो या घूमने आए हो? नहीं, हम लोग इंटर्नशिप या जॉब कर रहे हैं। हाँ, जॉब है। तो चलिए इनसे जानते हैं, पहले एक एक फ़ोटो दिखाते हैं कि इनके हिसाब से क्या रेटिंग होती है फ़ोटो की, और देखते हैं उसके बताती हैं, इनके मुँह से सुनते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा, मैं नहीं बताऊँगा। चलिए इस फोटो को आप लोग कितना रेट करना चाहेंगे 1 to 10 में? 5, 4। तो मतलब क्या आपको इस फोटो में क्या लगा कि आपने 5 रेटिंग किया, ऊपर भी हो सकता था, क्या मतलब क्या लगा फोटो? मतलब फोटोग्राफी स्किल्स के हिसाब से बताऊं या फिर ये लड़का कैसे दिख रहा है उस हिसाब से दिखाऊं? दोनों देख के बता दो, स्किल क्या है और लड़का कैसे दिख रहा है, दोनों के हिसाब से। ये नीचे वाला शू और कैप्चर होना चाहिए था, तो मुझे लगता है फ़ोन थोड़ा सा ऊपर से होता तो शायद बेटर होता, और इसके एक्सप्रेशंस लग रहे इसको किसी ने बहुत मारा है, तो थोड़ा हंसना चाहिए था इसको। मुस्कुराना चाहिए था। चलो मुस्कुराना चाहिए था भाई, जो भी है मुस्कुरा के थोड़ा सा फोटो लो। हाँ, बस पोज थोड़ा सही हो सकता था। चलिए दूसरा फोटो देखते हैं किसका है। चलिए इस फोटो को आप लोग कितना रेट करना चाहेंगे? 7.6। क्या मतलब आपने 6 दिया, इन्होंने 7 दिया, किस मतलब क्या फोटो का मतलब क्या चेहरा देख के, फोटो का स्टाइल देख के कैप्चर करने का क्या मतलब? मैं तो चेहरा देख, आपने चेहरा देख। हाँ, बस मैंने इसमें अच्छी बात है कि ये मुस्कुरा रहे थे, पॉजिटिव वाइब आ रही है, ड्रेसिंग। I simply am not सेंस भी ठीक है, और ये जो मैंने जो पॉइंट कटी, ये जो कॉमन पोज है इसकी। हाँ, हाँ, पोज तो यही है लड़कों का। आपने पोज के हिसाब से, आपने स्माइल के हिसाब से कि हाँ बंदा है स्माइल कर रहा है, चलो स्माइल करना ज़रूरी है फ़ोटो में, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब आती है। ये फ़ोटो आप बता दो। ये तो टू भी नहीं दूंगी मैं तो। हाँ टू ठीक है, जीरो जीरो नो जीरो मैं टू। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। तो क्या देखा आपने इसमें? चलो किसी को दिल नहीं दुखाते यार। चलो ठीक है यार, मतलब जिस मतलब फोटो में क्या है आपके? इसको थोड़ा फिटनेस में ध्यान देना चाहिए और थोड़ा ऐसे करके ना वो नहीं, बस भी नहीं। और स्मार्ट तो हो सकता था लौंडा, और स्मार्ट तो हो सकता था और ज्यादा। हाँ, बस स्मार्टनेस की कमी है। पोज वो ही ना, कैसा बोरिंग पोज है, और थोड़ा स्माइल हो सकता है। स्माइल होनी चाहिए, फिटनेस की कमी है ऑल। हाँ, बस वही। चलो यार काफ़ी, और एक फ़ोटो है ये बता दो। 5, 3। क्यों इसके लिए 5, 3 क्यों? इसने बाल नहीं काटे बहुत दिनों से, पता नहीं ऐसे एक थोड़ा बाल इधर हो गया, थोड़ा बाल उधर तो हो सकता था।
तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फोटो खिंचाने से पहले हेयर स्टाइल चेंज करने की जरूरत थी। और आपने दिया 5-3 आपने दिया 5 और चलिए स्टाइल के हिसाब से पोज के हिसाब से क्या है पोज तो वही बोरिंग सा पोज है मतलब 3 पिक्चर में तो सेम ही पोज है ना वही पॉकेट में हाथ डाल के लेग को क्रॉस और ऐसे कुछ नया करना चाहिए। ये क्या हो गया ये क्या सुन रहा हूँ मैं तो पोज इसका थोड़ा सा पोज बोरिंग है लड़कों को क्या ध्यान रखना अगर एक ही तो पोज है बस 3-4 में से 3 तो एक ही पोज में है लड़कों को क्या ध्यान रखना चाहिए बेसिकली अगर वो फोटो ले रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से क्या ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो मुस्कुराए उससे पॉजिटिव वाइब आती है। सेकेंड बात उसका कपड़े वपड़े थोड़े रिंकल नहीं होने चाहिए आयरन होने चाहिए बाल वाल कंघी करके आने चाहिए ऐसा नहीं ऐसा पूरा मांग जैसा लग रहा है ऐसे बीच से ऐसे अजीब टाइप का बहुत लड़कों को लगता है। बाल थोड़ा वही सेट होने चाहिए उसी पॉइंट में आता है और पता नहीं थोड़ा स्मार्ट दिखना चाहिए जैसे वो बता रही थी। हाँ बस मेरी बस स्मार्टनेस होनी चाहिए बस कूल लगना चाहिए फोटो में बस वही मतलब कपड़ा हाँ, कैसा कूल मतलब एकदम हैंकी थोड़ा टाइप का हाँ बस फंकी होना चाहिए बस वही लड़का कूल लगे कूल ऐसा अगर लड़का क्या बोलते हैं उसको प्रोफेशनली अगर कैजुअल में होता है फिर क्या अगर फंकी तो चलो ठीक है मतलब प्रोफेशनली हो तो फिर भी स्मार्ट तो हो ही सकता है ना स्मार्टनेस तो सभी ड्रेस कोड में तो हो सकता है स्मार्टनेस आपके हिसाब से। हाँ मुझे मतलब जो भी कपड़े पहने उसको कैरी करना आना चाहिए ठीक है जो भी कपड़े पहने कैरी भी अच्छे से करे और मतलब पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए और स्मार्ट दिखना चाहिए और स्माइल करना चाहिए मेरे लिए। चलो इनके लिए है कि मतलब स्माइल करना चाहिए पोज जैसा भी हो थोड़ा पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए लड़के के और इनका कहना था लड़का स्मार्ट होना चाहिए फंकी स्टाइल में होना चाहिए। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा आप दोनों ने जो रेटिंग करा है हम आपने पब्लिक से पूछते हैं जो भी हमारे फॉलोअर हैं उनसे देखते हैं कि उनका रेटिंग क्या होता है आपके मतलब उनके हिसाब से क्या रेटिंग होता है आपने करा लड़कियाँ रेटिंग करती है तो थोड़ा अच्छा ही होता है क्योंकि स्टाइलिंग में लड़कियाँ लड़कों से बहुत हद तक अच्छी होती हैं लड़के भी होते हैं लेकिन लड़कियों का जो मतलब एक स्टाइलिंग का तरीका होता है कपड़े पहनने का या चूजिंग उनका कपड़े का होता है तो वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए देखते हैं जो हमारे फॉलोअर हैं जो लड़की भी देख रही हैं लड़के भी देख रहे हैं तो उनके हिसाब से क्या रेटिंग होती है। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा थैंक यू। तो फाइनली यार अभी हमने जो वीडियो शूट करना था कर लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं एक हमको दो लड़कियाँ मिली थी उनसे हमने बात किया फ़ोटो की रेटिंग कराई बस इतना ही करना था। आगे नेक्स्ट आपको एक दो दिन में अच्छा सा ब्लॉग देखने को मिलेगा। आप चैनल पे ऐसे ही बने रहें और मुझे प्यार देते रहें अच्छे से ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे बीच बीच में थोड़ा सा फनीएस्ट मोमेंट के लिए हम ये सब डालते रहेंगे। जल्दी चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं है काफ़ी रात हो चुका है हमको भी घर निकलना है तो क्या कहूँ मैम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कहीं और किसी और लोकेशन पे तब तक सबको बाय बाय जय सियाराम जय सियाराम।